YouTube पर कॉपी पेस्ट की ताकत दिखाने वाली हूँ। एक ऐसे चैनल के बारे में आपको बताऊंगी, एक ऐसे चैनल का आइडिया आपको देने वाली हूँ जिससे लोग लाखों महीने के कमा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल से उठाना है, YouTube पर कॉपी पेस्ट करना है और महीने की लाखों की अर्निंग करनी है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी एक ऐसे चैनल के बारे में, मैं आपको बता रही हूँ। एक ही चैनल नहीं, चैनल बहुत है। आप जाकर YouTube पर सर्च कीजिएगा किस तरह से आपको काम करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि चैनल मोनिटाइज है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है कि आप कॉपी पेस्ट करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी। आप साइड में मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने प्रूफ भी लगा दिया है और मैं आपको जाकर चैनल पर दिखाऊंगी। जरा इस चैनल की अर्निंग देखिए दोस्तों, $118 से लेकर $19,000 तक ये अर्न कर रहा है मंथली के, ना कि एक साल के, ये एक महीने की अर्निंग है। आप इसे जाकर गूगल पर कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि ये इंडियन रुपीज में कितना होता है। आपके यहाँ खुली की खुली रह जाएगी। मैं 100% सही जानकारी देती हूँ, विश्वास करना या ना करना वो आपके ऊपर है दोस्तों। मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं कभी अपने चैनल पर फेक वीडियो डालती हूँ जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ रियल बनाती हूँ, बहुत सर्च करने के बाद में, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद में मैं आपके लिए जो भी कॉन्टेंट लेके आती हूँ पूरा जेन्युइन लेके आती हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जब भी आए, मेरी वीडियोज पर जब भी आए, तो प्लीज उसे पूरा देखिए और अच्छे से सीखिए, समझिए अच्छे से और तब जाके उस पर काम कीजिए। अगर आप मेरे बताए गए मेथड को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो आप लोगों की तरह महीनों के लाखों से करोड़ों कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चैनल पर लेकर जाती हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी जेन्युइन है, 100% रियल ये जानकारी है। आप इसे पूरा देखिएगा और समझिएगा और सीखिएगा, तब जाके आप इस पे काम कीजिएगा। ऐसे बहुत से लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। और सबसे पहले आपको YouTube ओपन कर लेना है, तो YouTube को मैं ओपन कर लेती हूँ और चैनल का नाम मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ कि चैनल पे ये किस तरह से काम कर रहे हैं और आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह की ये वीडियो बनाते हैं और आपको भी उसी तरह से वीडियो बनानी है। कैसे आपको वीडियो बनानी है, कहाँ से आपको टॉपिक मिलेगा, किस तरह से आपको बनाना है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे एडिट करना है सब कुछ दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने चैनल का सर्च कर लिया है, कथा संचय चैनल का नाम है, आप भी सर्च करके देख सकते हैं। इस चैनल पे जाकर आप थोड़ा बहुत आइडिया भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 258,000 यानी कि 3,00,000 के करीब इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं। 1,000 मात्र कुछ वीडियो है इनकी यहाँ पर। और वीडियो लेटेस्ट वीडियो की मैं बात करूँ, इन्होंने 19 घंटा पहले वीडियो को अपलोड किया है, 8,000 व्यूज आए हैं। एक दिन पहले 13,000 16,000 इस तरह से व्यूज आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत लोग जो है कहानी सुनना पसंद करते हैं क्योंकि कहानी में जो है सस्पेंस होता है। कोई भी अगर आपकी कहानी को सुनता है, जैसे कि शुरू में स्टार्टिंग में सुनना स्टार्ट करेगा, तो उसमें सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और वो वीडियो में सुनता सुनता लास्ट तक चला जाता है, जिससे कि इस पर वॉच टाइम ज़्यादा होता है और ये वीडियो जो है जल्दी वायरल हो जाती है, तो चैनल जल्दी ही ग्रो आ जाता है। चलो तो मैं सुन के दिखा देती हूँ आपको कि इन्होंने किस तरह से वीडियो बनाई है, सुन लीजिए आप भी। काल्पनिक है, मेरे कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थोड़ा आगे आ जाएंगे। यादों में खो गई रेवती जी बचपन से ही बहुत ही चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। उनके सांवली रंगत के बावजूद उनके तीखे नयन नक्श उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते थे। पढ़ाई लिखाई में तेज होने के साथ साथ उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था। देखिए दोस्तों, कितना आसान है ये वीडियो बनाना, कितना ही ज्यादा सिंपल है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ गूगल पे गए हैं, गूगल से जाके इन्होंने कहानी को कॉपी कर लिया है और जो भी इन्होंने ऐप यूज़ किया होगा एडिट करने के लिए, उस ऐप पे जाके इन्होंने सिंपल उसको पेस्ट कर दिया और इसमें वॉइस ओवर कर दिया। और इन्होंने जो है 5 मिनट लगाया होगा इस वीडियो बनाने में और अच्छी खासी ये महीने से लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। कैसे करना है आपको मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी, कहाँ से कॉपी करनी है, कहाँ से कहानी मिलेगी, कैसे आपको एडिट करनी है, कैसे वॉइस ओवर करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। एक और चैनल मैं आपको दिखा देती हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि एक और चैनल मैं आपको दिखा रही हूँ, फेम प्लस इसका नाम है, 26,000 इस पर सब्सक्राइबर हैं और इनके 465 वीडियोज हैं। आप देख सकते हैं व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो वीडियो वाले सेक्शन में आ जाते हैं, 6,900 कुछ व्यूज आए हैं। एक दिन पहले इन्होंने वीडियो अपलोड की है 7K,
इसी तरह से 11,000 ऐसे ही इन पे व्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा चलती है दोस्तों। देखिए 15,000 13,000 इसी तरह से हर वीडियो पे व्यूज आते हैं इनके, ये इन हर वीडियो पे इस तरह से व्यूज आते हैं। देख सकते पॉपुलर वीडियो अगर मैं बात करूँ 2,00,000 1.5 करोड़ मिलियनों में व्यूज गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं आप कितना अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं इन पे सिर्फ और सिर्फ कहानियों पे। आपको बस करना क्या है, अगर आप इस तरह के चैनल बनाते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने चैनल पर आपको रेगुलर रहना है, बिल्कुल भी आपको छुट्टी नहीं करनी है दोस्तों। अगर आप छुट्टी कर लेते हैं एक दिन की भी, तो आप यूट्यूब पर जितना भी अगर आप रेगुलर रहते हैं उतनी जल्दी वीडियो वायरल होती है। मैं अपनी खुद अपनी बात करूँ, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोज़ बनाती थी तो मुझे नहीं पता था मैं रेगुलर नहीं रहती थी। जैसे ही मैंने रेगुलरली मेंटेन की, रोजाना मैं वीडियो अपलोड करने लगी, तो मेरी वीडियो जो है एक सप्ताह में वायरल हो गई और मेरे चैनल पर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर सब कुछ पूरा हो गया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो इसी तरह आप भी रेगुलर लीजिए, अगर आप एक महीने रेगुलर काम करते हैं व्यूज आए ना आए, आपको रेगुलर रहना है तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। चैनल ये मोनेटाइज होते हैं, आप देख सकते हैं प्रूफ यहाँ पे, एक आप बटन देख सकते हैं थैंक्स का बटन, ये जो थैंक्स होता है ये उसी को मिलता है जिसका चैनल मोनेटाइज होता है। ऐसे चैनलों पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है, ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। लेकिन आप जो सैड म्यूजिक लगाते हैं वो आपको कहाँ से लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वहाँ से लगाते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा, और कॉपीराइट स्ट्राइक तो इस चैनल पर आता ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, सॉरी क्लेम भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर आप जहाँ से मैं बोलूँ वहाँ से म्यूजिक लगाएंगे। तो कहाँ से आपको म्यूजिक लगाना है, कैसे वीडियो एडिट करनी है, पूरा कुछ बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं इसमें थैंक्स का बटन है, और ये चैनल 100% मोनेटाइज है, और इसकी अर्निंग भी मैंने आपको दिखाई है। इससे जो पहले चैनल था आप इसकी अर्निंग भी जाकर देख सकते हैं, सोशल ब्लेड को आप सर्च कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है सोशल ब्लेड की अर्निंग जो है 100% सही होती है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको स्टोरी कहाँ से लेनी है। आपको हर स्टेप को फॉलो करना है, तभी आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और अच्छे से आप ग्रो कर पाएंगे। तो कैसे लेनी है स्टोरी, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है इमोशनल स्टोरी। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप यहाँ पे माइक में बोल भी सकते हैं इमोशनल स्टोरी इन हिंदी, इस तरह से अगर बोलेंगे तो आपके सामने ढेरों सारी स्टोरीज खुल के सामने आ जाएंगी। इतनी सारी स्टोरी आ जाएंगी आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी, आपको कभी ये भी सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको टॉपिक किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। यहाँ पर आपको जो है हज़ारों में लाखों की तादाद में टॉपिक मिल जाएंगे, किसी भी स्टोरी उठा लीजिए और जाकर पेस्ट कर दीजिए यूट्यूब पर, और अर्निंग आप पैसे आप छापते रहिए यूट्यूब से। तो यहाँ से जैसे मैंने स्टोरी सर्च किया, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे ओपन हो चुके हैं। मैं फर्स्ट वाले को जो है आपको खोल के दिखा देती हूँ, माँ तुम ऐसी होती हो, तो इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। इसी तरह का आपको किसी फोटो का लगाना है तो फोटो आपको कहाँ से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे अगर फोटो लगा देते हैं साइड में तो वो कुछ अट्रैक्टिव दिखाई देती है, इसीलिए आपको फोटो कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये कहानी आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको इसे सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर लेना है, जो भी अगर आपको ऐड दिखाई देता है उस ऐड को आपको हटा देना है, और आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा टैप करके रखना है किसी भी वर्ड के ऊपर, जैसे आप टैप करके रखते हैं और नीला कलर का इस तरह ब्लू हो जाएगा, उसको नीचे की तरह लेके आएंगे और कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी पर आपको क्लिक करना है। तो बस ये कॉपी हो चुकी है, अब आपको आ जाना है जहाँ पे एडिट करनी है। आप काइन मास्टर VN का यूज़ कर सकते हैं, मैं सिंपली इनशूट का यूज़ करती हूँ। मैं तो इनशूट को मैंने ओपन कर लिया है। मैंने आपको जो है फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर लेना है जहाँ पे वीडियो वाला सेक्शन, जैसे वीडियो वाले सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेपर ले लेना है, जैसे मैंने ब्लैंक पेपर ले लिया है, इसको आपको खींच के लंबा कर लेना है। जितनी आपकी मतलब वीडियो बनने वाली है, जितनी लंबी आपकी कहानी है उतना लंबा इसको कर लेना है। यहाँ से आप बैकग्राउंड पर क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का आप बैकग्राउंड का कलर रखना चाहिए उस तरह का रख सकते हैं। तो सिंपली मैंने वाइट कलर ले लिया है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको आपको डबल टैप करना है, इस तरह का आ जाएगा, और पीछे से खींच के आपको इसे लंबा कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे लंबा कर लिया है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं टैक्स पर क्लिक करती हूँ, दोबारा से हमें फिर से टैक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके साइड में स्टिकर टैक्स दिखाई दे रहा होगा, तो दूसरे वाले पर क्लिक करना है। जैसे मैं टैक्स पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि व्हाइट कलर भी हमारा व्हाइट है, जो हमने कॉपी किया है वो भी व्हाइट है, तो हम इसे कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम टैप करके रखेंगे तो ये सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा पेस्ट हो चुका है, ये ब्लैक कलर में तो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक सीधी लंबी लाइन में लिखा हुआ है। इसे हमें जो है कट करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाके कट लगाते जाना है। जैसे जहाँ पे कोई स्टेप खत्म हो जाता है, कोई भी कहानी का एक एंड आ जाता है, जैसे विमल बहुत परेशान था तो ये एंड है ना,
खा के बाद में हमें कट लगाना, इसी तरह हम कट लगाते जाएंगे और इसको जो है एडजस्ट करते जाएंगे। छोटा बना लेना है इसको, तो हम देख सकते हैं जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आपको भी इस तरह से कट कर लेना है, तभी इसको छोटा एक फॉर्मेट में लाना है और यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए इस पर जल्दी से मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, आप भी इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम कट लगा लेते हैं। बहुत ही आसान है ये वीडियो बनाना, आपने क्या क्या सिंपली वहाँ से गूगल से लिया, कहानी को लिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, वॉइस ओवर कर देना है, बस आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। थंबनेल बनाने में इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका टाइटल भी आपको वीडियो से ही मिल जाता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या इसका टाइटल रखे। तो देख सकते हैं जहाँ पे तीन लाइन है इस पर हमने क्लिक किया, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इसको छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं जो आपने लिखा है टेक्स्ट को, अब इसे अगर बड़ा करना चाहे तो यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके फॉन्ट चेंज, कलर चेंज सब कुछ कर सकते हैं, इसमें जो है एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसमें जो है छोटा बड़ा जितना चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये बाहर ना जाए। तो अभी ये बाहर की साइड जा रहा है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ, इसको एडजस्ट करके दिखा देती हूँ। जैसे हम इसको थोड़ा आगे करते हैं, देखिए साइड में कर लेते हैं इसको, ये देखिए थोड़ा साइड में कर लेंगे, क्योंकि साइड में कर लेंगे और साइड में एक फ़ोटो लगा लेंगे तो ये अच्छा दिखाई देगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। तो देख सकते हैं इसको मैंने साइड में कर लिया है, अभी क्या हुआ एक लाइन जो है ना बीच में थोड़ा सा बड़ी हो रही, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो यहाँ से आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, कोई भी फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, आप जाए जो आपको पसंद हो वो वाला फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे इसमें मतलब जो हज़ारों की तादाद में फॉन्ट है, आप जितना चाहे उतना जो है चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उसे रख सकते हैं। तो सिंपली मैंने एक फॉन्ट ले लिया, अभी क्या हुआ ये इस तरह से कुछ हो गया, ये लाइन जो लंबी है इसको हम फिर से कट कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ी दिखाई दे रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे आएंगे, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो कट हो गया, देखिए अभी अच्छे से सेंटर में आ चुकी है। फिर से तीन लाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे जो आपको तीन लाइन दिखाई दे रही है इस पर हम क्लिक करेंगे, सॉरी सबसे पहले हम इसको जो एडजस्ट कर लेंगे, छोटा बड़ा आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, जितना चाहे बड़ा कर ले, जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, पहले जो वाला जो लाइन है इस वाली लाइन पर। तो चलिए मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो बस आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, देखिए मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, अभी थोड़ा सा ये शायद बाहर की साइड है, हाँ। तो अब हम तीन लाइन पर आ जाएंगे, आपको इसे सेंटर में कर लेना है। सेंटर में करने के लिए नीचे जो तीन लाइन दिखाई दे रही है छोटी छोटी कॉर्नर में, इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये जो है साइड में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं, देखिए बीच में जा रहा है, बीच में जा रहा है, साइड में आ रहा, तो इस तरह से जो है हमें अच्छा लग रहा है, सेंटर में आ चुका है, इस तरह से रखेंगे तो हमें अच्छा दिखाई देगा। तो मैंने कर लिया, यहाँ से आप जो कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं, जो बिंदी ऊपर नीचे हो रही है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। देखिए मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कौन सा मुझे लगाना है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं, ना लगाए तब भी चलेगा। आपको इस सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर देनी है, वॉइस ओवर आपको इस तरह से देनी है कि आपकी वॉइस जो है मतलब जो आपके व्यूअर हैं उनको अट्रैक्ट करे, इस तरह से आपका वॉइस ओवर डालनी है, अच्छी तरह से वॉइस ओवर करनी है, कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए आपको मैंने जो है एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं, जो भी आपको पसंद आया उसे आप पसंद कर सकते हैं। तो मैंने जो है इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसको एक सिलेक्ट कर लिया है, अब इसको खींच के इतना लंबा कर लेंगे जहाँ तक आप कहानी बोलते हैं और आपकी ये कहानी ख़त्म नहीं हो जाती वहाँ तक आपको इसको लंबा कर लेंगे। जैसे कि मैं आपने जो भी टेक्स्ट को कॉपी किया है इस पर आप डबल टैप करेंगे, जैसे आप डबल टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो एंड का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, तो इस वीडियो एंड वाले पे जो आपको क्लिक कर लेना है, फर्स्ट वाले पे जो ऊपर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इस पर करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक ये हो जाएगी। तो आप जब तक भी मतलब वॉइस डालेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, इसको बाद में लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जितना आराम से बोलिए जितने देर तक आप बोलेंगे, जहाँ तक आपकी मतलब टैक्स जो है ख़त्म ना हो, जहाँ पर भी ख़त्म हो वहीं से आप कट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए मैं आ गई, मैंने इसको वीडियो के अंत तक कर दिया है। अब हमें क्या करना है, म्यूजिक वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, म्यूजिक पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का एक जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो सिंपल जैसे आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे जो आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, म्यूजिक लगाने के लिए साइड में कॉर्नर में आपको एक देख सकते हैं म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप म्यूजिक लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ, जो जैसे मैंने रिकॉर्ड पर क्लिक किया आप इसे बोलना स्टार्ट कर देते, चलिए मैं आपको सुना देती हूँ। नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे, वो अपनी माँ को बहुत चाहता था किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है।
के बाद में आपको जो रेड वाला गोल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होनी बंद हो जाएगी, यानी कि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे टिक कर देंगे सही वाले को, जैसे ही रेड का निशान इस पर हम टिक करेंगे आपकी वॉइस आ चुकी है। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, अगर आपने कहीं गलती की है वहाँ से आप इसे कट भी कर सकते हैं। सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, स्प्लिट वाले पे क्लिक करेंगे तो आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इस जैसे मैंने स्प्लिट किया, सामने वाला कुछ ख़राब पार्ट था तो उसको हम कट कर देंगे, जैसे मैंने कट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा देर टैप करके रखेंगे और आप इसको स्क्रॉल कर पाएंगे कहीं पे भी, आप इस ऊपर नीचे कहीं पे भी कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से और भी समझाऊंगी। वैसे मैं वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, फिर भी आपको ध्यान से देखना है, समझ में नहीं आता तो आप इसको थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, इसी तरह आपको भी करना। अभी आपको इस पर सैड म्यूजिक लगाना, किस तरह लगाना वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस जैसे आपको कट करना है, किस तरह से कट करना है मैंने आपको दिखाया। स्प्लिट पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको जैसे टैप करेंगे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, मतलब आवाज़ को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है तो आप यहाँ पे आप इसको सुन भी सकते हैं। देखिए मैं आपको सुना देती हूँ थोड़ा सा। फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। जैसे कि आपने टेक्स्ट को पूरा एंड तक पेस्ट किया था तो आपने आराम से वॉइस ओवर कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं से छोटा बड़ा करने की दिक्कत नहीं हुई, आपने जो है एक साथ में आराम से वॉइस रिकॉर्ड कर ली। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक आ जाना है और यहाँ से क्या करना है, जैसे हम बैक आ जाते हैं तो यहाँ से हमें जो फालतू का पार्ट है उसे हमें कट कर देना है, ठीक है। तो कट करने के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं बैक आ चुकी हूँ, फिर से हमें टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि हम टैक्स पर क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे हमने टैक्स पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसमें पीछे की साइड में बहुत सारा मेरा टैक्स लिखा हुआ है एंड तक। इसको आप स्प्लिट पर क्लिक करना है, जैसे स्प्लिट पर क्लिक करेंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ का डिलीट का एक ऑप्शन आएगा, डिलीट पर जैसे क्लिक करेंगे पीछे का जितना भी पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको सेलेक्ट कर लेना, जैसे ही राइट वो व्हाइट कलर के जो है डिब्बे के अंदर दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको एक बार टैप करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, तभी आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देंगे। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो चुका, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, टैक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप टैक्स पर क्लिक करेंगे फिर से आपको गूगल पे जाना है, जहाँ तक आपने कॉपी किया था। चलिए मैं फिर से गूगल पे आ जाती हूँ, आपको जाकर दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमने मतलब कॉपी कर लिया था, बच्चों के लिए हमेशा खटकती है, इसके नीचे आप दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा, ठीक है। इस तरह से आपको फिर से नीचे की तरह से इसको कॉपी कर लेना है, फिर से उसी तरह जाकर पेस्ट कर देना है और उसी तरह से वॉइस ओवर कर लेनी है। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो चलिए आपने यहाँ से फिर से कॉपी कर लिया, मैं आपको फिर से पेस्ट करके दिखाती हूँ। इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से छोटा बड़ा कर लीजिए, कट करके एडजस्ट कर लीजिए, इसको इसी तरह से आपको करना है, देख सकते हैं इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ से आप एनिमेशन वगैरह जो चाहे लगा सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। थोड़ा अगर आप जाके करोगे थोड़ा बहुत, अगर आप जब तक आप करोगे नहीं आपको तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। म्यूजिक लगाने के लिए सिंपली आपको म्यूजिक पर क्लिक करना है, जैसे ही आप म्यूजिक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे म्यूजिक पे फिर से टैप करना है, माय म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जितने भी डाउनलोड किए गए म्यूजिक आपके पास हैं सारे आपके गैलरी में यहाँ पे आपको शो करेंगे, जो भी म्यूजिक आपके पास है। म्यूजिक आपको लेना कहाँ से है स्टोरी में लगाने के लिए वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक देखिए। यहाँ से आपको जो भी म्यूजिक है उसे आपको यहाँ से सिंपली सुन लेना है, जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से सुन लीजिए। और यूज जैसे यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कोई भी म्यूजिक आपकी जो है स्टोरी में ऐड हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ से आप इसकी वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जितना आप चाहे आप उतना वॉइस रख सकते हैं। आप इसमें अपनी वॉइस देंगे तो इसलिए जो इसका जो म्यूजिक है उसको थोड़ा स्लो रखिएगा। तो चलिए आपको मैं सुना देती हूँ, देखिए इस तरह से आप इसको सुन भी सकते हैं। जैसे कि आप इसको सुन लेते हैं, यहाँ से आपको अगर इसे कट करना है तो कट करने के लिए फिर से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो है स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, डिलीट वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसी तरह से आप इसको भी मूव कर सकते हैं। तो सिंपली आपकी जो म्यूजिक है वो लग चुकी है आपकी वीडियो में। अब मैं आपको बताती हूँ आपको जो है इमेज कहाँ से लेनी है, जो साइड में जैसे आपने टेक्स्ट लिखा है इसके साइड में आपको इमेज लगानी है वो आपको कहाँ से लेनी है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसका नाम है इमेज सर्च। इसमें आप जो भी फोटोज लेते हैं जो भी इमेज लेते हैं उसमें कभी कॉपीराइट नहीं आता है। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको यहाँ से इमेज सर्च को सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी, यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैंने
डाउनलोड कर रखा है तो मुझे ओपन का ऑप्शन दिया गया है, मैं ओपन कर लेती हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने ओपन कर लेगा, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप कोई भी, जैसे कि हमारी स्टोरी के हिसाब से हमें एक बूढ़ी महिला की फोटो चाहिए, यानी कि सिंपली आपको ओल्ड वुमेन इमेज लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे आप ओल्ड वुमेन इमेज लिखकर सर्च करते हैं आपके सामने ढेरों सारी इमेज आ जाएंगी। तो चलिए सिंपली हम लिख लेते हैं ओल्ड वुमेन। जैसे हमने लिखा, आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे बूढ़ी महिलाओं के फोटो आ चुके हैं। आप कोई भी एक फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको किसी भी फोटो पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे फोटो दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद है आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली मैं एक फोटो को यहाँ से डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए नीचे कितने फोटो हैं, जो भी आप चाहे सेट नीचे जा सकते हैं और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऊपर आ जाती हूँ, यहाँ से एक फ़ोटो डाउनलोड हम कर लेते हैं। किसी भी फोटो पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड करेंगे, एक सेकंड में ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, आपके फ़ोन की गैलरी में चले जाएगी। तो सिंपली हमने डाउनलोड कर लिया, अब हमें बैक आ जाना है, फिर से हमें इंस्यूट में आ जाना है। तो मैं बैक कर लेती हूँ, इंस्यूट को हम फिर से ओपन कर लेंगे। जहाँ से हम अपनी वीडियो को एडिट कर रहे थे वहीं पर हमें आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पिप का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि PIP लिखा हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हैं सारे खुलकर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटो लेना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक फ़ोटो ले लिया है जो अभी हमने डाउनलोड किया था, इसको आपको जो है कट कर लेना है। थोड़ा एडजस्ट करने के लिए यहाँ से आप इसको कट कर लेंगे क्रॉप करके, तो देख सकते हैं मैंने इसको क्रॉप कर लिया है। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे बड़ा कर लीजिए, छोटा चाहे छोटा कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, आप भी इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस पर डबल टैप किया है, आपके सामने ऑप्शन आ जाता है वीडियो एंड पर, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक लग जाएगी आपकी फ़ोटो, आपकी पूरी स्टोरी में लग जाएगी। एक बार में आपको जो है इसको खींचना नहीं पड़ेगा, दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से लग गई, आप इसको थोड़ा आगे करके मूव करके रख लीजिए, मैंने रख लिया है। तो आप यहाँ से अपनी स्टोरी को सुन सकते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु इसी तरह से आपको जब तक स्टोरी खत्म ना हो जाए तब तक इसी तरह से आपको पेस्ट करते जाना है, एडजस्ट करते जाना है और आपको बनाते जाना है। अब आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, आपको अभी इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप बैक आ जाएंगे, आपको कॉर्नर में सेव का ऑप्शन दिया गया है, सेव पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इसको सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, तो चलिए सेव पर मैं क्लिक कर लेती हूँ। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है 1080p, ये जो है आपको डाउनलोड हो जाएगी, तो इसी पे आपको रहने देना है, सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं, जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐड आएगा। तो आपको जो है ऐड चलने देना है, क्योंकि ऐड से इन लोगों की कमाई होती है। तो ऐड को आने के बाद में जैसे ऐड आपका पूरा हो जाता है, क्लोज का ऑप्शन दिया गया है, क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐड है वो हट जाएगा। आपकी वीडियो डाउनलोड हो रही है इस तरह से, तो मुझे डाउनलोड नहीं करनी है, मैं नो पर क्लिक कर दूंगी, मेरी वीडियो डाउनलोड नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेनी है, ये आपके फ़ोन की गैलरी में चली जाएगी। इसके बाद में आपको इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। थंबनेल आपको कैसे बनाना है, इसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई गई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको म्यूजिक कहाँ से लेना है, उसका वीडियो का लिंक मैंने आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी, और आपको जो है मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैंने लगा दिया है, आप वहाँ से जाकर म्यूजिक देख सकते हैं। जहाँ से आप म्यूजिक लेंगे तो कभी भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, मैंने हर तरह के हर कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे बताया है। तो आपको सैड म्यूजिक ढूंढ लेना है, और सैड म्यूजिक आप वहाँ से लेकर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी वीडियो में लगा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, कर दिया ना लाइक, कर दिया, थैंक यू। तो लाइक अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए टॉपिक पर, नई जानकारी के साथ में, रियल और जेन्युइन जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मैंने साइड में वीडियो लगाई है, देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।